टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है चिंता। हालेलुया। हम बहुत बार चिंता करते हैं प्रियो, हम ऐसी ऐसी चिंताएं करते हैं कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार हम इतनी चिंता करते हैं प्रियो कि बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। इस विषय पे बाइबल हमें क्या सिखाती है, आज हम इसके ऊपर मनन करेंगे। क्या हमारी चिंता बड़ी है, क्या हमारा डर बड़ा है, या हमारा परमेश्वर यहोवा बड़ा है। हालेलुया। चलिए हम शुरू करते हैं प्रियो आज से इसके वचन को, जिसको मैंने टाइटल दिया है कि परमेश्वर आपके डर से, परमेश्वर आपकी चिंता से बड़ा है। हालेलुया। चलिए हम शुरू करते हैं प्रियो। बहुत बार हमें बहुत सी चिंताएं होती हैं, हमारे कर्ज को लेकर, हमारी पढ़ाई को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे परिवार को लेकर बहुत सारी समस्याएं हमें होती हैं। और इन समस्याओं के चलते कई बार ऐसा होता है प्रियो कि हमारी चिंताएं हमको इतना घेर लेती हैं कि हम पूरी रात सो नहीं पाते। हाँ प्रियो, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। हालेलुया। जानते प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल के अंदर चिंता के विषय में बाइबल क्या कहती है। यदि हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं, उस स्टोरी को हम सबने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसके आज आपको आपके सामने इस विषय को रखने जा रहा हूँ कि बाइबल चिंता के विषय में क्या कहती है और परमेश्वर ने चिंता के विषय में क्या कहा। क्या हमारा चिंता करना सही है या हमारा चिंता करना गलत है। प्रियो, यदि आप चाहते हैं इस विषय को जानना तो मेरे साथ अंत तक बने रहे और आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है। हालेलुया। चलिए प्रियो, हम शुरू करते हैं। बाइबल हमें बताती है, यदि हम लूका उसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो बहनों के विषय में जिक्र है, एक का नाम है मार्था और एक का नाम है मरियम। हालेलुया। जैसे ही उनको पता लगा यीशु उनके गांव से होकर जा रहे हैं, जो मार्था नाम की बहन थी उसने यीशु को अपने घर में आमंत्रित किया, और आमंत्रित करते ही जैसे ही मरियम को पता लगा कि प्रभु यीशु हमारे घर में आ चुके हैं, उन्होंने क्या किया, उसने एक ऐसे भाग को चुना, उसने परमेश्वर के चरणों में बैठने को चुना, और जो मार्था थी वह परमेश्वर के लिए तैयारियों में लग गई। हालेलुया। और जानते प्रिय, जब वो तैयारियां कर रही थी तो वो अकेले होने के कारण वो बहुत घबरा गई, और प्रभु यीशु के पास आकर कहती है, क्या तुझे इस विषय में बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मैं तैयारी में लगी हूँ और मेरी बहन तेरे पास में बैठी है, इसको कह कि मेरे साथ में आके मेरी मदद करे। जानते प्रियो, परमेश्वर ने उसको रिप्लाई किया, हे मार्था तो बहुत बातों के विषय में चिंता करती है, लेकिन तेरे लिए एक बात आवश्यक है। वो क्या आवश्यक बात परमेश्वर ने बोली जानते हैं? मरियम के विषय में परमेश्वर ने कहा, मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, मरियम ने परमेश्वर के चरणों में बैठने को उत्तम भाग जाना, और मार्था जो है वो तैयारी कर रही थी कि परमेश्वर मेरे घर में आए हैं, दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जानते उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया। क्या था वो उत्तम भाग? कि उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर के साथ में बैठने को चुन लिया, और परमेश्वर इस बात को डिक्लेयर करते हैं मरियम के जीवन पे कि मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें और परमेश्वर के पास में जाएं। चिंताएं बहुत तरीके की होती हैं, हमारे घर की चिंता होती है, हमें परिवार की चिंता होती है, इन सब चिंताओं से बढ़कर परमेश्वर का वचन क्या कहता है जानते हैं? हम यदि पढ़ते हैं इसके 40वें वाक्य को पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, प्रभु तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया, सो उसे कह के मेरी सहायता कर। 41वें पद में परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था तू सब बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। जब प्रियो हम किसी बात की चिंता करते हैं, जब हमारा फोकस दूसरी बातों की तरफ होता है, हमारे जीवन के अंदर डर आता है, हमारे जीवन के अंदर घबराहट आती है। और जानते हैं, मरियम के अंदर ऐसा कोई भी कहेंगे कि गुण, ऐसा कुछ बात दिख नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी थी, उसे मालूम था कि मैं परमेश्वर के साथ में बैठी हूँ, उसने उत्तम भाग को चुना, उसने परमेश्वर के चरणों में बैठना उत्तम जाना। प्रियो, आपको बहुत सी बातों की चिंता हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु
हर एक चिंता का आंसर है। हालेलुया, यहोवा आपके डर से बड़ा है। हालेलुया, यहोवा आपकी चिंता से बड़ा है। यदि आप चिंताओं में हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, निश्चय जाने परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तर है। प्रियो, बस आपको एक काम करना है, जब आप चिंताओं में घिरते हैं, जब आप परेशानियों में घिरते हैं, आपको केवल परमेश्वर को चुनना है और कुछ समय परमेश्वर के साथ में बिताना है। जब आप परमेश्वर के साथ में समय बिताएंगे, आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। पहले आप अपनी दृष्टि से देख रहे थे उन परिस्थितियों को, जो आपको परिस्थितियां बहुत बड़ी लग रही थी। जब आप परमेश्वर के पास में जाएंगे, परमेश्वर के आगे घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसकी उपस्थिति में समय बिताएंगे, निश्चय जानो प्रियो, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब आप उस फोकस से नहीं देखेंगे जिस फोकस से आप पहले देख रहे थे, अब आप परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे। और बाइबल बताती है, जो बातें मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वह परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया, जानते हैं प्रियो, जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य प्रदान करता है, परमेश्वर आपके दृष्टिकोण को चेंज कर देता है। जैसे ही आपका दृष्टिकोण चेंज होता है, आप वह देखने लगते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया, यदि हम एक वचन को आगे पढ़ें प्रियो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो बोलता है पहला कुरिन्थियों 2:9 लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और जो और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। प्रियो, जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। आपकी आंखों ने जो बातें देखी नहीं है, उन बातों को परमेश्वर ने पहले से तैयार कर रखा है। जब जब आप अपनी चिंताओं में जाते हैं, निश्चय जानो उसका आंसर जो है वो परमेश्वर के पास में होता है। जब आप परमेश्वर के आगे अपने घुटने को टेकते हैं, जब परमेश्वर के पास में जाकर आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर आपको उत्तर देता है। प्रियो, परमेश्वर के पास में बहुत सी योजनाएं है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उनमें से एक भी हानि की नहीं, वरन सब की सब लाभ की है। और अंत में जाके परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करता है। प्रियो, बस आपको एक काम करना है, आपने उत्तम भाग को चुनना है, मरियम के समान। हालेलुया, आपने मार्था के समान बहुत सारी चिंताओं को नहीं देखना है। आप किसी भी बात की चिंता ना करें प्रियो, परमेश्वर के पास पहले से आपके लिए उत्तर तैयार है। बस आपको एक काम करना है, आपको परमेश्वर के पास में जाना है। जब आप परमेश्वर के पास में जाते हैं, निश्चय जानो परमेश्वर का उत्तर आपके लिए पहले से तैयार होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 14:1 पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। हालेलुया, प्रभु यीशु इस बात को कहते हैं प्रियो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। हालेलुया, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, निश्चय जानो आज आपकी परेशानी का वो आखिरी दिन है, आज आपकी टेंशन का वो आखिरी दिन है। जैसे ही आप अपने बोझ को परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, निश्चय जानो वो परेशानी का आखिरी दिन होता है। हालेलुया, बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मेरा जुआ अपने कंधे पर उठा लो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मेरा जुआ सहज है। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के सबमिशन में आते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, और जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, निश्चय जानो प्रियो, आपकी प्रॉब्लम कैसे भी क्यों ना हो, वह आपका दृष्टिकोण है जो उसको बड़ा करके दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की नजरों से देखने लगते हैं, वे बातें छोटी नजर आती हैं। हालेलुया, अपने दृष्टिकोण से वो बातें बहुत बड़ी नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं, वे बातें बहुत छोटी नजर, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, जो बातें मनुष्य की आंखों ने नहीं देखी, जो बातें मनुष्य के कानों में नहीं सुनाई पड़ी, वे पहले से ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पास में आपके लिए योजना है। प्रियो, यिर्मयाह 29:11 कहता है कि परमेश्वर के पास जितनी भी योजनाएं मनुष्य जाति के लिए हैं, उनमें से एक भी हानि के लिए नहीं है, वरन सब की सब कुशल के लिए है। हालेलुया, आप चिंता ना करें प्रियो, आपकी चिंता बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर यहोवा बड़ा है। हालेलुया, अपनी चिंता से कहें, मेरा परमेश्वर यहोवा बड़ा है। हालेलुया, जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आप जान पाएंगे परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए इंतजाम कर दिया है, क्योंकि उसका नाम है यहोवा ईरे, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि हमको वह ऐसी परिस्थितियों में नहीं भेजता जो हमारी सहन से, हमारे सहने से बाहर हो। हालेलुया, वह हमें ऐसी परिस्थितियों में भेजता है
है जो हमारे सहने योग्य हो। वह चाहता है कि जब हम परिस्थितियों से होकर गुजरें तो जो हमारा फोकस है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो केवल और केवल परमेश्वर पर हो। जब जब हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर होगा, हम जय और विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, क्योंकि यहोवा निसी हमारा जय का झंडा है। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, जब जब आप परमेश्वर के पास में जाते हैं, जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आप अपने जीवन में एक सामर्थ को महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर एक सामर्थ है, जो बाइबल कहती है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ देने जा रहा है प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। जब जब आप परेशानियों में होते हैं, जब जब आपको चिंताएं सताने लगती हैं, उन चिंताओं से बोले कि मेरा परमेश्वर आपसे बड़ा है। मेरे डर, आप अपने डर से बोले कि मेरा डर छोटा है लेकिन मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का नाम है यहोवा इरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। प्रियो, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ जो हमारे वीडियो को देखते हैं। मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ प्रियो, और मैं सबका धन्यवादी हूँ कि जो जो इस वीडियो को देखता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और मैं मसीह में बढ़ने पाएँ। ऐसे ही वचनों को मैं आपके सामने लेकर आता रहूँ, जिससे सीख कर आप और मैं सही मसीह की जो पहचान है, हम उसमें बढ़ने पाएँ। आप सबको जय मसीह की। शालोम।